हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड 523। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है भाई आपका एक को न्यू गेम प्ले में। तो भाई यहाँ पर आज हो रही है बारिश, तो आज मैंने सोचा कि आज अलग मौसम में जो है वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हर बार जो है ना एक ही मौसम में वीडियो बनती है। तो यहाँ पर अप्रैल का मंथ चल रहा है और 8:15 हो चुके हैं और बारिश हल्की हल्की नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अभी हम शुगर बीट तो हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वीट वगैरह हार्वेस्ट नहीं कर सकते। वैसे कर सकते हैं, लेकिन उनमें जो है हमको हील्ड वो कम मिलेगा, तो उनको तो कोई फ़ायदा है नहीं हार्वेस्ट करके। तो मैं सोचा कि यहाँ पर शुगर बीट ही हार्वेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमको हील्ड पूरा मिले। और नेक्स्ट मंथ जो है ना मैं कर लूँगा वीट हार्वेस्ट, क्योंकि वीट मैंने लगा रखी है, 3 फील्ड में लगा रखी है। और सोयाबीन जो है ना मेरे पास 1 फील्ड में है, तो उसको भी मैं नेक्स्ट मंथ में ही हार्वेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई सीडिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो यील्ड पूरा मिलना चाहिए ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर जो है ना आज बारिश हो रही है, तो आज का मौसम भी जो है ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अंधेरा टाइप का, ठीक है, अच्छा है। और वैसे मैं जो है ना पीक को सेल करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उनमें जो है ना भाई इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को दिख नहीं रहा। क्योंकि अभी जो है ना आपको मैं स्टेटस चेक कराऊँगा उनका, कि वो ना ही तो मैन्यूर इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही सैलरी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम फील्ड में जो है ना फर्टिलाइज़र की जगह हम उसको यूज़ कर पाए, तो उसका कोई इतना फ़ायदा है नहीं मेरे हिसाब से तो। और अगर पीक जो है ना अपना बेबी भी निकालता है तो उसका भी इतना मतलब है नहीं, क्योंकि एक $200 का बिकेगा मेरे हिसाब से, $200-$300 का। तो मान के चलो कि 3-4 मंथ स्कीप कर दिए और उनमें जो है ना हमको 2-4 बेबीज मिल गए और छोटे छोटे पीक्स। अबे यार मैं किधर ले आया, वो शुगर भी शुगर वाला पीछे ही रह गया, कनोला के भरोसे में आगे ले आया इसको, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो मैं सेल करने की सोच रहा हूँ, तो मैं एक बार और देखूँगा उनको और फिर सेल कर दूँगा, क्योंकि भाई उतनी ज़्यादा महंगी हम क्रॉप डालते हैं उनको और बदले में हमको कुछ मिलता ही नहीं, तो उसका रखने का क्या मतलब। और अगर मैं रख भी लेता फिर भी, वरना मेरा डिवाइस अगर ठीक चलता ना, मेरे डिवाइस में ये गेम अच्छे से रन कर पाती तो मैं उसको रख भी लेता, लेकिन मेरे डिवाइस में भी अच्छे से रन नहीं करती गेम, तो मैं नहीं रखूँगा उनको। कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना न्यू ब्रांड में रख लूँ उनको। एमएस स्टोन में तो रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि एमएस स्टोन में पहले से ही मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं इस पर लगाता हूँ हेल्पर, ताकि ये हेल्पर जो है ना उनको इसको ये फील्ड नंबर 17 में ले जाए। और मैं जो है यहाँ पर ये भी भूल ही पड़ी है क्या, तो इसको मैं अनलोड कर लूँ। यहाँ पर मैं पास में ही खड़ा कर रखे हैं ट्रैक्टर को, एक बार अनलोड कर लिया था मैंने। फिर पहले तो मैं बिना वॉइस ओवर के वीडियो बना रहा था, फिर सोचा कि यार वॉइस ओवर कर लेता हूँ, बिना वॉइस ओवर की जो है ना अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेलर मैंने भर लिया, सॉरी एक ट्रेलर नहीं, एक हार्वेस्टर जो है ना वो अनलोड कर ली ट्रेलर में, और ये दूसरी हार्वेस्टर भर गई। वैसे मैंने जो है ना इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह सभी 2 बार कर रखे हैं। अबे यार ये भी पंगा ही, इसमें थोड़ा सा अनलोड हो गया और लेके भाग गया, वो फिर से आएगा बैग, अभी देखना। चलो उसको करने देते हैं और इसको भी जाने देता हूँ, तब तक मैं अभी ये जो ना फिर से आ जाएगा वहाँ पे। चलो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसका वापस जाने का, क्योंकि ये जो है ना फुल भरा है, ये देखो इतने से के लिए आ गया, आ गया और अब ये पीछे जाएगा। चलो इसको करते हैं अनलोड और फिर ये भी है भाई, ये तो नहीं भरी अभी, ये 2 राउंड और लगी क्या, शायद इसी में भर जाएगी ये, क्योंकि ये शुगर बीट जो है ना बहुत ज़्यादा निकलती है, तो इस वजह से 3 या 2 या 3 या राउंड में जो है फुल हो जाती है वो वाली। और उसकी कैपेसिटी जो है ना 44,000 लीटर है, 43,000 लीटर है, और मेरा ट्रेलर की जो है ना वो 37,000 लीटर है, तो वो भी जो है ना उसमें रह जाता है, एक ट्रेलर में भी वो नहीं आ पाता। तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रेलर भी अपग्रेड कर लूँ शुगर बीट के लिए। वैसे मैं ट्रेलर तो अपग्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि इस वाले मैप में शुगर बीट वाली मशीन जो है मैं सेल करूँगा, और न्यू ब्रन में जो है ना इस शुगर बीट वाली मशीन को रखूँगा। तो ऐसा ही कुछ प्लान है मेरा, बाकी तो फिर देख लूँगा। और ये सीडर को भी सेल करने वाला हूँ, इसकी जगह मैं लूँगा DLC वाला सीडर, सोच तो ऐसा ही रहा हूँ, बाकी आने वाली वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। चलो अब करते हैं हम
इसको हार्वेस्ट, तो इसमें जुगाड़ से लगाया मैंने, दो दो टूल एक साथ लगाए, तो यहाँ पर आगे जो है ना वो ग्रास को रिमूव कर देगा और पीछे से जो है ना वो इकट्ठा करता जाएगा, तो हमारा काम एक ही बार में हो जाएगा। वो बोलते हैं ना एक तीर से दो निशाने, तो वो वाली बात हो जाएगी। वैसे ये जो है ना इलीगल है, कॉपीराइट ना दे दे जाइंट सॉल्टर वाले, लेकिन रिक्वेस्ट तो यही है कि भाई मत देना, क्योंकि ये हम जो है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। हैं बाकी ठीक है, ये इकट्ठा हो रहा है, और इस ग्रास का इतना ज़्यादा तो खास मतलब है नहीं, हमारी शिप के लिए ही काम आता है। बाकी साइलेज है, साइलेज तो डालनी पड़ती है ना भाई, वो काउस के लिए तो काम आता है, मैं तो भूल ही गया, तो वो साइलेज बना के डालना पड़ता है। मैं सोचा कि जो है ग्रास ना ही तो ग्रास डालते हैं हम काउस को, ना ही वो हे बेल डालते हैं, साइलेज डालते हैं, तो फिर याद आया मेरे को भाई साइलेज भी तो इसी से बनती है। तो यहाँ पर जो है इसको मैं मैनुअली ड्राइव करके करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये ऑटो ड्राइव पे नहीं लगता, क्योंकि हमने जो डो टूल जो है ना इस पे अटैच कर रखे हैं इस वजह से। तो वो बोलता है भाई आपने जो है ना इलीगल काम कर रखा है, मैं ड्राइव नहीं करूँगा इस ट्रैक्टर को, हेल्पर नहीं आता। तो हम हेल्पर लगाना चाहते हैं, तो हमको जो है ना एक ही टूल अटैच करना पड़ेगा, वो भी पीछे। अगर फ्रंट का टूल है तो फ्रंट पे लगाना पड़ेगा, और पीछे का टूल है तो पीछे लगाना पड़ेगा, तो तभी जो है ना हेल्पर काम करते हैं इसमें, वो अदरवाइज नहीं करते हैं। और वैसे भी भाई हेल्पर को लेके बहुत मसले मसाइल है इस गेम में, तो हेल्पर तो वैसे भी काम नहीं करते इसमें। अगर हम ग्रेप्स हार्वेस्ट कर रहे हैं और ग्रेप से वो येलो येलो लाइन आ जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आगे फ्रंट पे अटैच करना पड़ता है। अगर उसको पीछे अटैच कर देते हैं ना तो वो वर्क नहीं करता, और अगर इसको ग्रास वाले को फ्रंट पे अटैच कर रखा है तो वो फिर भी वर्क नहीं करेगा, इसको पीछे ही अटैच करना पड़ेगा। तो यही है इसमें, और बाकी लो जी ये जो बची है हमारी लास्ट लाइन, और इसको इकट्ठा करने के बाद और हार्वेस्ट करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास दो टैंक मिल्क के खड़े हैं, उसमें होगा तो नहीं, मेरे हिसाब से डालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 25 या 26 हज़ार मिल्क है मेरे पास, तो वो मैं डालने वाला हूँ डेयरी पे, क्योंकि बटर बनाना है, मैं केक बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, तो केक के लिए बटर चाहिए भाई, और शुगर वीट चाहिए जो कि हमारे पास है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने डाल भी दी शुगर वीट, शायद डिस्ट्रीब्यूट पे लगा रखी है तो वो ऑटोमेटिक डाल देता है, तो उसका कोई चक्कर है नहीं। तो ये बता रहा है अभी अनपोर्ड नहीं होगा, तब तक ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा, तो अब हो गया ये, तो इसको करते हैं डिस्कनेक्ट। अगर आप जो है ना इसको दो टूल अटैच करना चाहते हो ना, तो पहले आप लगाना उस वाले टूल को जो इकट्ठा करता है ना विंड्रोवर उसको, और फिर लगाना इस मोवर को, तभी अटैच होगा। नहीं मोवर को अगर आप लगा लोगे पहले तो वो फिर विंड्रोवर अटैच नहीं होगा, तो विंड्रोवर ही बोलते ना वो, इसको एक बार देख लूँ, गलत नाम तो नहीं ले लिया इसको भाई, हाँ विंड्रोवर ही बोलते हैं उसको, बोलते हैं टिंडर, मैं सोचा कि उसको तो ना बोलते हैं, शायद उसको बोलते होंगे विंड्रोवर, तो ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो इस तरफ है वह टैंक, तो इस रास्ते से चलते हैं हम, तो इधर से आ चुके हैं हम हमारे टैंक के पास, तो ये भरे हुए तो नहीं है मेरे हिसाब से, शायद हो भी सकता है इसमें मिल्क नहीं भी हो सकता, क्योंकि मैं जो है ना भर के रखता हूँ इसमें, ताकि वो उसमें और आ जाए मिल्क, तो अभी तो नहीं है इसमें, तो भरना पड़ेगा भाई, और रिवर से नहीं रह जाएंगे, तो 28 हज़ार हमारे पास लीटर है मिल्क, देखता हूँ कि दोनों भर जाएंगे क्या। मेरे हिसाब से दोनों नहीं भरेंगे, एक को रिवर्स करना पड़ेगा, लो भाई एक को रिवर्स करना ही पड़ेगा, उसकी रेंज में नहीं है, एक ही है रेंज में, तो थोड़ा सा के अनरियलिस्टिक के तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना दोनों ही डोली वाले हैं, ऊपर से दो अटैच हो रखे हैं, तो भाई ऐसा मान के चलो कि आप 8 टैंकर अटैच कर रखे हो, लो भाई 20 हज़ार लीटर और है इसमें, तो ये दो बार में जाएगा, एक बार में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर इस पे लगाता हूँ ऑटो ट्रैप पे, ताकि ये जो ना अपने आप यहाँ पर लोड करके ले जाए। काउबान हो गया, और बेकरी पे नहीं करना, इस पे करना है डेयरी पे, तो डेयरी सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, कहाँ गई, हाँ ये रही डेयरी, करता हूँ स्टार्ट, देखता हूँ कि ले जाता है कि नहीं ले जाता ये, हाँ ले तो जा रहा है भाई। और ये वाली हार्वेस्टर फुल हो गई, तो इसको भी जो है ना अनलोड कर लेते हैं, और ये ट्रेलर भी इस बार फुल हो जाएगा, तो इसको भी मैं अनलोड कर रहूँगा,
जूस सेंटर पे, जूस यूनिट ऐसे करके नाम है उसका, तो मैं जूस एंट्री बोलता हूँ उसको। तो यहाँ पर इसको करते हैं अनलोड। और भाई ये ट्रैक्टर देखो क्या लाजवाब लगता है भाई, सबसे प्यारा ट्रैक्टर लगा है मेरे को मैं स्मॉल ट्रैक्टर में। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा, अबे यार टच नहीं करना था इसको, क्योंकि टच करने पर हेल्पर चढ़ के भाग जाते हैं, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि हम वीट वगैरह हार्वेस्ट करते हैं या फिर उसमें तो हम कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वाले फील्ड में अगर हम थोड़ा सा भी टच कर दिया ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना टूल हमारा, तो वो हेल्पर छोड़ के भाग जाएगा, उसको हमको फिर से हमको लगाना पड़ेगा। चलो इसको आने देते हैं अनलोड। पूरा तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, पूरा तो अनलोड नहीं होगी मेरे हिसाब से, ये हो गई पता नहीं। तो यहाँ पर इसको मैं लगाता हूँ ऑटो ड्राइव पे, इसको भी ऑटो ड्राइव पे लगा देता हूँ, उस पर सेलेक्ट करता हूँ। काम बन है भाई, इस पर काम बन नहीं करना, इस पर करना है डिलीवरी कर देता हूँ इस पर, तो डिलीवरी करना है हमको। हाँ ये रहा, ग्रेप्स से प्रोसेसिंग यूनिट है इसका नाम, तो यहाँ पर इसको करता हूँ मैं ऑटो ड्राइव पे और देख लेते हैं एक बार चलता है कि नहीं चलता ये, अभी तक तो नहीं चला भाई। चल जा भाई, बहुत टाइम ले रहा है चलने में, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ चल तो गया, इतना टाइम ले गया भाई, 20 सेकंड ले लिए होगे इसने। और इसका कलर बहुत प्यारा है भाई इसका ट्रैक्टर का। और यहाँ पर ये भी फुल हो गई, अभी ये भी फुल हुई है, नहीं भाई ये पहले से फुल हुई पड़ी है। यहाँ पर इसको भी करते हैं अनलोड। चलो भाई यहाँ पर करता हूँ इसको अनलोड, और ये पूरी तो अनलोड होगी नहीं क्योंकि इसकी कैपेसिटी है ज़्यादा और ट्रेलर की है कम, तो इस वजह से ट्रेलर फुल हो जाएगा पहले ही। ठीक है, एक ट्रेलर हम जब तक अनलोड करके आएंगे तब तक जो है ना ये और भर जाएगी, तो फिर और अनलोड कर लेंगे इसको। यहाँ पर इसको भी करता हूँ मैं ऑटो ड्राइव पे, वैसे ऑटो ड्राइव पे इसको क्या ही करूँ, चलो कर देता हूँ ले जाएगा यहाँ पर। और मैं अब चेक कराता हूँ कि केक में जो है हमको क्या क्या बनाना पड़ता है, तब जाके केक होता है। ये देखो हमारे पास शुगर बीट जो है ना, काफ़ी सारी शुगर बना के दे दिया इसने, 35,999 लीटर हमारे पास हो चुकी है, और अभी 2,89,000 लीटर शुगर बीट पड़ी है अभी बननी, और हमारे पास पूरा फील्ड है तो हमारे पास काफ़ी सारी हो चुकी है वैसे, और हम सेल भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने केक के लिए भी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसको, तो केक के लिए शुगर बीट ये देखो फुल हुई बढ़िया 7,000 लीटर, तो हमें केक बनाने के लिए चाहिए फ्लूर जो कि है 65,000 लीटर ऑलरेडी फुल है, और शुगर बीट आई गई है, और मिल्क तो जो है ना काउस प्रोड्यूस करती है तो मिल्क की टेंशन है नहीं। ईग्स हमारे पास पड़े हैं वो भी मैं अनलोड कर दूंगा अभी, और बटर जो है ना 512 लीटर तो आ गए हैं, और मिल्क डेयरी में अनलोड कर ही रहा हूँ तो वो भी आ ही जाएंगे। और वैसे ईग को मैं अभी अनलोड कर सकता हूँ वैसे, नहीं जब बनाऊंगा तब अनलोड कर दूंगा, उसके कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अभी ट्रैक्टर की स्टेटस चेक करते हैं भाई, यहाँ पर ये जो है ना अपने डेयरी पे पहुँच गया, तो इसको भाई ये अनलोड कैसे करेगा? चलो इसको करने देते हैं अनलोड, और ये भी पहुंचना वाला ही है अभी। अच्छा ये यहीं पे आया है भाई अभी तक, ये देखो कितना स्लो चलता है, और ये उल्टी साइड में चल रहा है, नहीं भाई ये गाड़ी वाला उल्टी साइड में चल रहा है, मैं सोचा कि ये उल्टी साइड में कैसे चल रहा है, वो ओवरटेक किया ना उसने, तो मैं सोचा कि भाई ये अपनी गलत साइड कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर इसको जाने देते हैं, तो ये वैसे ले तो जाएगा स्लो स्लो क्योंकि इसकी स्पीड जो है 42 की है, और हेल्पर वैसे ही स्लो चलाते हैं भाई, मोड में अपने हिसाब से चलाते हैं। और ये कौन सा टारगेट हो गया भाई, चलो यहाँ पर इसके आगे शायद ये गाड़ी वाला आ गया मेरे हिसाब से, ये देखो अभी ये स्लो करेगा फिर लेगा, चलो इसको भी लेने देते हैं। और बाकी तो हम, अबे यार ये देखो इसका सस्तेनेस से देखो किधर मोड़ रहा है ये, चलो इसको तो रहने देते हैं क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्द फुल हो जाती है, तो इसको तो स्लो भी मोड़ गया तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी ये हेल्पर छोड़ के कैसे भाग गया इसको पता नहीं भाई, अच्छा इसका बताया था वो भाई हेल्पर छोड़ के भाग गया इसको, तो चलो कोई ना हम मैनुअली ड्राइव करके इसको ले चलते हैं।
और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, अभी तक आप यहाँ तक देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मेरी रीच है ना थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है अभी, और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊँ। और चलो छोड़ो इसको, और यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं काउबान पे, और फिर से हम लोड करते हैं इसमें मिल्क। और भाई मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि वो जो है ना वहाँ पर रेल पर छोड़ के कैसे भाग गया इसको। मैंने शायद डिलीवरी वाले पे सेलेक्ट किया था या फिर लोड एंड डिलीवरी वाले पे सेलेक्ट किया था, मेरे को याद नहीं है। अभी देख लेते हैं कि किस पे सेलेक्ट किया हुआ है, वो बता ही देगा। और हमारी काउ जो है ना भीग रही है, बरसात में नहा रही है, तो चलो यहाँ पर इसको करते हैं फिलअप। वैसे एक टैंकर में तो ड्रैगन है, क्योंकि एक टैंकर है 8,000 लीटर का, और दूसरा वाला में 4,000 लीटर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा काम अपना। अभी यार चलो ऑप्शन तो आ गया, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि अभी तो हम लोड एंड डिलीवरी ना सेलेक्ट करके कि डिलीवरी वाले भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो ले जाएगा। तो यहाँ पर हम चलो इसको ऑटो ड्राइव पे लगा ही देता हूँ। लोड एंड डिलीवरी पे भाई सेलेक्ट किया हुआ था, पता नहीं फिर भी ये क्यों नहीं ले गया उसको वहाँ पर। तो यार कैंसिल वाला दबा दिया मेरे हिसाब से मैंने, क्या हुआ, काबान हो गया, लोडिंग हो गई, और चलो डिलीवरी करता हूँ भाई। यहाँ पर बेकरी नहीं, डेयरी करना है यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे करते हैं अभी डेयरी ना, डेयरी हो गई। क्लोज मैप, अबे रुक जा गाड़ी वाले, अभी यार ये इसमें पंगे हैं बहुत ज़्यादा, अभी अटकेगा ये अटकेगा। एक बार ट्रैफिक को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये जो है ना ले जाए, ट्रैफिक ऑफ, अब तो ले जा भाई। हाँ चलो ये ले जा रहा है, अभी ऑन कर देता हूँ ट्रैफिक को ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो सीधा सीधा सोल्यूशन ये है भाई, अगर ट्रैफिक वाले आपको ब्लॉक कर रहे हैं तो सीधा ऑफ कर दो उसको, और फिर ऑन कर दो, तो वो हट जाएंगे वहाँ से। तो मैं तो यही करता हूँ, और ये भी पहुँच गया लेकिन अनलोड नहीं कर रहा, चलो हम खुद कर देते हैं अनलोड। चलो भाई ये अनलोड हो गया भाई, ग्रेप्स की जो अनलोडिंग स्पीड है काफ़ी अच्छी है, और वैसे अच्छी क्या है इसकी, थोड़ा सा ही तो आता है इसमें, तो वो इतने फास्ट कर देता है। और इसका वैसे नाला काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से भी ये थोड़ा फास्ट करता है। चलो इस पे भी हम ऑटो ड्राइव लगाएंगे या फिर मैनुअली ड्राइव करके ले चलें, चलो मैनुअली ड्राइव करके ले चलते हैं इसको। और यहाँ पर देखो भाई मैंने क्या कांड कर रखा है, यहाँ पर मैंने सीडर को यहीं पे छोड़ दिया, और क्रॉप भी आधी ही प्लांट की है, मैं शायद कुछ ही और काम में बिजी हो गया और इसको यहीं पे छोड़ के भाग गया ट्रैक्टर को लेके। और मेरे पास एक ही सीडर ही है, ये वाला एक को मैंने सेल कर दिया, क्योंकि मैं जो है ना एक नया वाला सीडर है ना वो इससे बड़ा थोड़ा सा, वो 8 मीटर का है, वो वाला लेके देखना चाहता हूँ कि वो कैसा चलता है। वैसे उसमें इतना फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि उसमें कल्टीवेटर करना पड़ेगा, तो इसमें कोई इतना बड़ा फ़ायदा है नहीं, फिर भी एक बार लेके चेक करना चाहता हूँ कि कैसा चलता है। मैं हर एक टूल ट्राई करके देखना चाहता हूँ कि FS23 में कि कैसे वर्क करती है। तो ट्रैक्टर तो लगभग लगभग हमने खरीद ही लिए हैं, अभी बड़े वाले ट्रैक्टर रह गए हैं, स्मॉल ट्रैक्टर तो सारे खरीद लिए मैंने, एक जॉन डियर वाला रह गया, और जॉन डियर वाला तो वैसे मैंने अभी किसके वीकेंड जल रहे हैं, हाँ भाई इसके वीकेंड जल रहे हैं, वेरी आगे पे करूँ क्या, कैसे देखता है ये, हाई पे चल रहा है अभी, क्रैश ना हो जाए बस ये डर है। चलो हो जाने दो, हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोबारा फिर से खेल लूँगा मैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसके वीकन, ये देखो भाई इसको वीकन को लेके जो है ना भाई, इसमें काफ़ी मेरे को ऐसा लगता है कि FS20 से जो है ना इसके वीकन कम जलते हैं, इसको अब जो है ना वापस कर लेते हैं हम हाई पे या मीडियम पे कर लेता हूँ ताकि क्रैश ना हो, अभी भी उतने ही जल्द दिख रहे हैं, पता नहीं भाई क्या चक्कर है। और वैसे मेरे पास वर्जन भी शायद 6 या 7 है, तो इस वजह से भी शायद 8 या 9 वर्जन में अब इम्प्रूवमेंट हो गया होगा वीकन को लेके, नो आइडिया। अगर आपके पास 9 वर्जन है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि वीकन कैसे चलते हैं आपकी गेम में, मेरे में तो भाई ऐसे चल रहे हैं देख लो। और मैंने 9 अपडेट भी करके देखा था, तो उसमें भी भाई रन नहीं की गेम, तो फिर मैंने वापस यहीं कर लिया। चलो अब जो है ना इसको अनलोड कर देते हैं, ये भी भर गई, और आधे से ज़्यादा फील्ड जो है ना इसने हार्वेस्ट कर दिया, थोड़ा ही बचा है अभी। तो यहाँ पर इसको करते हैं साइड में,
ताकि ये डिस्टर्ब ना करे हेल्पर को। और अब चेक करते हैं इसका स्टेटस, तो ये यहाँ पर आ गया है और ये फुल नहीं हुई अभी तक, नहीं हुई। चलो भाई आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, शायद केक बना के केक वाली वीडियो आए नेक्स्ट, हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।